से दूर, खबरों से भरपूर। क्या क्या कहेंगे आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं? बड़ा मजा आ रहा जी। भारत हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इससे अच्छा कोई देश ही नहीं है। और ये हमारे भाई हैं, कुरैशी यही है, और ये भी आए हुए हमारे भाई, वो सब सपोर्ट करेंगे झंडे को। तो क्या दिक्कत है? कोई तो काम अच्छा कर रही है, करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये भाई क्या बात है, खाना खाना वाना खाइए, जाइए भाई, सभी भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है अभी ये बताइए भाई। तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं क्या है? आप भी तो शामिल हो, मैं अकेला थोड़ी ना शामिल हूँ, सभी भाई शामिल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है रैली निकाल रहे हैं भारत देश के लिए। भारत भारत हमारी माँ है, भारत माता की जय। नर मोदी, घर घर मोदी। ये बहुत ही हर्षोल्लास का टाइम है, क्योंकि 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। हम छोटे थे जब 50वां मना था, इतना हर्षोल्लास नहीं हुआ था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्यादत में पूरा अल्पसंख्यक यहाँ जुटा हुआ है, और हम कारी मोहम्मद हारून साहब प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रभारी जी आतिफ रशीद जी की क्यादत में ये मुहिम चल रहा है। भाई नफरत वो करते हैं जो देश विरोधी होते हैं, मुसलमान कभी नफरत नहीं करता। आज हमारे ओखला के जामिया में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, हमारे देश के झंडे की शान बान आन, जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है बड़ी खुशी धूमधाम से। ये मोदी जी की के नेतृत्व में जो अभियान घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया है, आज हमारे पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और 17 तारीख तक चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं, और लोग बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी की खास तौर से इस अभियान की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आप देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कई बार बीजेपी के ही निशाने पर रहा है, लेकिन आज बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र कहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जम करके उन्होंने तारीफ की है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं। किस तरह तिरंगा यात्रा को आप लोग देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यात्रा देखना, यात्रा में जाना बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह तिरंगा यात्रा को आप लोग देख रहे हैं। 15 अगस्त की यात्रा निकाल लें, कैसा लग रहा है? बढ़िया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो CA NRC में भी काफ़ी इस यहाँ के छात्रों ने भूमिका निभाई थी, आप देख सकते हैं काफ़ी दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास हो रहा है। एक संदेश देने की भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस तिरंगा यात्रा को तिरंगा के जरिए से लोगों को तिरंगा झंडा दिखा करके तिरंगा यात्रा को रवाना कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता को आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदेश गुप्ता इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं, और जामिया में भारतीय जनता पार्टी की यह शीर्ष नेतृत्व तो पहुँचा है। दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ स्वयं तिरंगा यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। रैली हम देख रहे हैं काफी संख्या, आदेश जी काफी काफी बड़ी रैली हो गई है, लोग यहाँ पर देखने को मिले। बहुत बड़ी संख्या आज हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे हैं, और बहुत उत्साह इस तिरंगे को पकड़ने में आज उनको दिखाई पड़ा। जिस तरह अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे, और उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संदेश देना चाहते हैं, आज पूरे देश का हर नागरिक 130 करोड़ देशवासी उस संदेश को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। जो तिरंगा है वो हमारे देश प्रेम की भावना को, राष्ट्र प्रेम की भावना को, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला है। इसलिए ये अभियान आज जन जन का अभियान बन गया है, और जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में जब 75 साल पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में आने वाले 25 सालों का भी संकल्प है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएं, तो आज भारत का हर नागरिक चाहता है भारत विश्वगुरु बने, तरक्की करे, विकास करे, और सबसे बड़ा ताकतवर देश बने। देखिए जिस तरह यहाँ पर उत्साह के साथ और हौसले के साथ जो जज्बा आज दिखा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई बहनों ने बहुत अच्छे
तरीके से यहाँ हर घर तिरंगा अभियान को प्रारंभ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का ये अभियान दिल्ली में हम 25 लाख घरों तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सर आप भी गए।